बढ़ते खबरों में आगे और एयर इंडिया की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 70 उड़ानें रद्द की गई है और क्रू मेंबर्स के एक साथ छुट्टी पर जाने की वजह से उड़ानें रद्द की गई है। एयर इंडिया के सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ सीक लीव पर चले गए हैं, जिसके बाद आम जनता परेशान हो चुके हैं। 300 कर्मियों की बगावत से थमी है एयर इंडिया एक्सप्रेस और 300 क्रू मेंबर आखिर अचानक कैसे बीमार पड़ जाते हैं, एक साथ सिक लीव कैसे ले सकते हैं, मोबाइल बंद कैसे आ सकता है, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है। और देखिए, अगर आप भी हवाई सफर करने वाले हैं आज, तो आपके लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को अचानक अपनी 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है और इसका बड़ा कारण है कर्मचारियों की कमी। दरअसल एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी यानी कि मास सिक लीव पर चले गए हैं, जिस कारण से कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया, फोन भी बंद आ रहा है। और देखिए, तमाम जो बड़ी बात है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कर्मचारियों की बगावत से एयर इंडिया एक्सप्रेस थम गई है। एयरलाइंस ने 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है। सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, फोन बंद आ रहा है और अब सवाल उठ रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सिक लीव ले ली है, जिससे एयर इंडिया की रफ्तार थम चुकी है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सिक लीव ले ली है और 300 क्रू मेंबर्स अचानक से बीमारी की बात कहते हुए उन्होंने सिक लीव ले ली है, जिनकी संख्या तकरीबन 300 बताई जा रही है। तो नए अपॉइंटमेंट नियमों के बाद प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और क्रू मेंबर्स के छुट्टी पर जाने के बाद उड़ाने रद्द हो गई है। नतीजतन करीब 300 केबिन क्रू ने सिक लीव ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरलाइंस ने 70 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। और खबर ये भी है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय होने वाला है, जिसका जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। दोनों एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। और देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो आम लोगों को पड़ा है इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि अगर आप भी आज हवाई सफ़र करने वाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, बड़ी खबर है, क्योंकि एयर इंडिया और एयर इंडिया एयरलाइंस को अचानक अपनी 70 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। और इसका बड़ा कारण है कि जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने सिक लीव ले ली है, उनकी कमी आ गई है। दरअसल एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी यानी कि मास सिक लीव पर चले गए हैं, जिस कारण कंपनी को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है और मंगलवार रात से इस विरोध ने बड़ा रूप भी ले लिया है, जिससे एयरलाइंस को 70 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। इनमें से सबसे ज्यादा फ्लाइटें जो है वो मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों के लिए है, साथ ही कई फ्लाइट्स भी देरी हुई है।